सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की अवधि की आज 24वां दिन है, मार्च की 17 तारीख और शुक्रवार है। चालीसे के तीसरे सप्ताह में हम लोग चल रहे हैं और भाइयों बहनों, हम सभी चालीसे के इस तपस्या में लगे हुए हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, आध्यात्मिक उत्थान हो और आध्यात्मिक जीवन बुलंद हो। और इसके लिए हम लोग तमाम प्रकार के कार्यकलाप करते आए हैं, प्रभु का वचन सुनना, प्रार्थना में समय बिताना, मिसा बलिदान आराधना या क्रूस का रास्ता या माला विनती करना, ये हम सबों का चालीसे के काल का विशेष प्रयास है। और इस प्रयास में आप सभी लोगों की मदद करने के लिए मैं आज के दिन में वचन लेकर आया हूँ, आज्ञा पालन कर प्यार व्यक्त करो। आज्ञा पालन कर प्यार व्यक्त करो, यानी कि आज्ञा पालन करते हुए अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करने के विषय को लेकर मैं आप सबों के सामने आया हूँ। और आज्ञा के पालन के बगैर हम अपने प्यार को प्रभु के प्रति व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस बात पर हम लोग आज के दिन में विचार करें। आज का पहला पाठ होशिया का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 14 प्रसंग 2-10। इस प्रसंग में प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, इज़राइल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। इज़राइल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं, असुर हमें बचाने में असमर्थ हैं, हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। प्रभु तू ही अनाथ पर दया करता है, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें कहता है, अपने प्रभु ईश्वर से प्यार करने के लिए प्रभु ईश्वर के पास लौट के आने के लिए, क्योंकि मनुष्य पाप करते हुए ईश्वर से दूर चला जाता है, ईश्वर से प्यार नहीं करता और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने प्रभु ईश्वर से सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करें। यही मकसद है, ईश्वर ने हम सबों को रचा है कि हम उस रचयिता को जानें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। अगर मनुष्य ये काम नहीं कर सकता तो फिर इस धरती पर कौन करेगा ये काम? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश बनाया, अपने अनुरूप बनाया, मनुष्य को बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा का वरदान दिया। केवल मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को जान सकता है, केवल मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को मान सकता है और केवल मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करता है। ये बात अलग है, अन्य सारी प्रकार के जीव जंतु हैं, अपनी अपनी आवाज़ ज़रूर करती हैं, अपने अपने अंदाज से अपने ईश्वर को याद करती होंगी शायद, लेकिन उन सभी जीव जंतुओं ने आवाज़ करना या उनको याद करना वो अलग प्रकार से है, क्योंकि उन सभी प्रकार के जीव जंतुओं में केवल प्राण मात्र है, आत्मा नहीं है। हम सभी मनुष्यों में ईश्वर ने अपना आत्मा रखा है, आत्मा के लिए आत्मिक जीवन ज़रूरी है और आत्मिक जीवन यानी कि ईश्वर ज़रूरी है। ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्यों है, वो क्या कर सकता है, तो हमें उसके साथ कैसा रिश्ता बनाए रखना है,
कैसे उसकी आराधना तारीफ करनी है, कैसे उससे प्यार करना है, यही बात को जानना समझना आध्यात्मिक जीवन है। हम सब उनसे आध्यात्मिक जीवन का लेखा जोखा लिया जाएगा, अन्य प्रकार के जीव जंतुओं से नहीं लिया जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी आज के दिन में सीखें आज्ञा पालन करने के बारे में और इस प्रकार से अपना प्यार अपने प्रभु के प्रति व्यक्त करने के बारे में। बहुत बार हम लोग इस बात का दावा करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं प्रभु से, बहुत हम प्यार करते हैं। कई लोग बोलते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं फादर, कई लोग बोलते हैं हमने 10 बार बाइबल पढ़ लिया है, कई लोग बोलते हैं मैं एक दिन भी आराधना नहीं जोड़ता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं रोज़ मिस्सा में जाता हूँ, कुछ लोग करते हैं हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें ज़रूरी हैं, अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी प्रकार के कार्यकलापों के पीछे क्या मेरा दिल मेरे ईश्वर से जुड़ा हुआ है और उस दिल में उस ईश्वर के प्रति क्या मेरा प्यार उमड़ पड़ता है, क्या मैं इन सभी प्रकार के कार्यकलापों को मेरे प्यार की अभिव्यक्ति के तौर पर करता हूँ, अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करने के लिए करता हूँ। इन सभी बातों पर विचार करना बहुत ही लाभदायक होगा, जिससे कि हमारे सारे धार्मिक क्रियाकलाप जेन्युइन हो, धार्मिक क्रियाकलाप सच्चे और पक्के और अच्छे हो। इसलिए आज्ञा पालन कर प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करने के विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर के पास लौट के आने के लिए प्रभु ने निमंत्रण दिया, यानी कि प्रभु के पास लौट के आना मतलब प्रभु से प्यार करना, पाप में जीवन को त्यागना, बुराई से दूर रहना, भलाई के कार्य करना और ईश्वर को स्वीकार करना, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है और मैं तेरी आराधना करता हूँ। ये है आज्ञा पालन, ये है आज्ञा पालन, यानी कि उस ईश्वर के हवाले अपने आप को करते हुए उसके अधीन जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। अपने पापों के कारण तुम गिर गए हो, इसलिए प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ, प्रार्थना के साथ, पश्चाताप के साथ, दीनहीन बनकर, विनम्र विनीत होकर प्रभु के पास आने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे, हमारा सद्भाव ग्रहण कर, प्रभु के पास आके हम ये कहें प्रभु हमारे अपराध मिटा दे, यानी कि अपना रिश्ता जोड़ उस ईश्वर के साथ। हमारा रिश्ता अगर कट गया है तो हम आध्यात्मिक जीवन में ना आगे बढ़ेंगे, ना कुछ कर पाएंगे, बल्कि मुरझ जाएंगे, सूख जाएंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, कोई अस्तित्व का महत्व नहीं रहेगा, हमारा जीवन अर्थदायक नहीं होगा। इसलिए प्रभु के सामने प्रार्थना का चढ़ावा लेकर पहुंच जाएं और अपराध की क्षमा यानी कि अपराध मिटाने की मांग करें। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं, असुर हमें बचाने में असमर्थ है, यानी कि ये लिखा असुर राजा भले ही पूरे इसराइल पर राज्य करता हो, लेकिन असुर राजा बचाने वाला नहीं है, बचाने वाला पिता परमेश्वर है। इसलिए वचन के द्वारा कहा है कि किसी प्रकार के शासकों, किसी प्रकार के अधिकारियों या निरे मनुष्य पर भरोसा ना रखो, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। भरोसा रखना है हमें प्रभु पर और किसी मनुष्य पर नहीं। मनुष्य अपने आप में अधूरा है, मनुष्य हमें क्या दे सकता है, ईश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। मनुष्य जितना भी हमें दे वो अधूरा होगा, क्योंकि वो स्वयं अधूरा है, ईश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है असुर हमें बचाने में असमर्थ, यानी कि असुर राजा
हमें बचा नहीं पाएगा। अगर हम पाप करते हुए रिश्ता तोड़ते हुए प्रभु के साथ दूर जाएंगे, भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए उस ईश्वर के पास आओ, पश्चाताप करते हुए उसके साथ जुड़ो, और वह ईश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य से भर देगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है, राजाओं पर, अधिकारियों पर, शासकों पर, निरे मनुष्य पर भरोसा मत रखो। भरोसा रखना हो उस ईश्वर पर रखो जो बचाने में समर्थ है। एक बार एक व्यक्ति का एक प्रकार से दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में उनका ये हाथ टूट गया। हाथ टूट गया तो एक्सरे होने से पता चला, उसके बाद उसमें प्लास्टर लगना है। तो उस इंसान को अस्पताल लेके जाके जब प्लास्टर का जो तैयारी हो रही थी, डॉक्टर ने उससे कहा, आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपका हाथ ठीक हो जाएगा, आप पहले जैसे ही काम दाम कर पाएंगे। और डॉक्टर ने अपनी बात अपने हिसाब से समझाया इस बात को। यह इंसान डॉक्टर से जवाब क्या देता है? जवाब देते हुए कहता है इंसान, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर है, सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, बस मेरा हाथ ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरा भरोसा आप पर है, डॉक्टर से कहा। ये इंसान 2 महीने हुए, प्लास्टर निकाल दिया, लेकिन वो दर्द नहीं गई, वो तकलीफ नहीं गई। फिर उस इंसान को उसी डॉक्टर के पास ले जाया गया, ये अभी तक दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है। डॉक्टर ने फिर कहा, एक्सरे करके देखना पड़ेगा क्या तकलीफ है। तो पता चला कि वो जोड़ सही से नहीं बैठा और उसके साथ साथ उसमें कुछ फंस हो रहा था, कुछ स्वेलिंग आ रही थी। तो फिर उसमें और काम किया गया, ट्रीटमेंट हुआ, और तब भी उस इंसान ने कहा, डॉक्टर कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा ऊंच नीच हुआ, कोई बात, मुझे भरोसा है सब सही हो जाएगा, आज कम से कम 2-4 साल तो हुए उसका हाथ ठीक नहीं हुआ। मैं सोच रहा था शायद उस इंसान ने ये कहा होता, मुझे मेरे प्रभु पर भरोसा है, मेरा प्रभु चंगाई दाता है, मुर्दों को झिलाने वाला, चंगा करने वाला, चाहे 12 साल से हो या 18 साल से हो या 38 साल से बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, उसको खड़ा करने वाला मेरा ईश्वर मुझे ठीक कर देगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, ये कहता और भरोसा रखता प्रभु पर, शायद बहुत जल्दी ठीक होता, आज के दिन में समस्या नहीं होती। कई बार इंसान भूल जाता है, इंसान सोचता है इंसान पर भरोसा रखने से सब कुछ होता है, नहीं। यहाँ पर लिखा है प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर आस्था रखें, प्रभु पर श्रद्धा रखें, प्रभु ही बचाने वाला है। इसलिए उस बचाने वाले की बात को माने, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके इशारे पर चलें। हम अपनी मनमानी ना करें जैसे इजरायली जनता ने मनमानी की, अपने ईश्वर को भूल गए, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने प्रार्थना करने लगे और राजाओं पर भरोसा रखने लगे। उनका नतीजा उनके सामने आया, उनका विनाश हुआ। यहाँ पर आगे लिखा है, हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे। घोड़ों पर यानी कि अपने बलबूते, अपने शक्ति पर, अपने सामर्थ्य पर, चाहे वो शक्ति बुद्धि की हो, चाहे वो शक्ति पैसे की हो, चाहे वो शक्ति पद की हो, चाहे वो शक्ति जमीन जायदाद की हो, चाहे वो शक्ति बड़ी कुर्सी की हो, बहुत बातों को लेकर लोग भरोसा करते हैं। नहीं, ये सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, सारा बल कमज़ोर पड़ जाएगा। प्रभु मेरा बल है,
प्रभु मेरा बल है, ये भरोसा रखें। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखो और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहो तू ही मेरा ईश्वर है। ईश्वर एकमात्र है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 प्रसंग 4-6 के प्रसंग में बताया गया इज़राइल अपना प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से प्यार करो। एकमात्र प्रभु है, एकमात्र ईश्वर है। इसलिए उस ईश्वर से जुड़ो, उससे प्यार करो, उसकी आज्ञाओं का मानो। ये बात आज के दिन में हम सबों को याद दिलाई जाती है। आज के सुसमाचार में यही बात आगे बढ़ाई गई है। जब एक शास्त्री आकर प्रभु से पूछता है कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है, शास्त्री यानी कि शास्त्र जानने वाला व्यक्ति, पूरा धर्म ग्रंथ जानने वाला व्यक्ति, वो ऐसा क्यों सवाल करता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? क्योंकि उस जमाने में कम से कम 617 आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। 617 आज्ञाएं दिन प्रतिदिन जिसका पालन करना पड़ता था। तो इन 617 आज्ञाओं में से सबसे बड़ी कौन सी है, ये सवाल था उस शास्त्री का, जो शास्त्र जानने वाला व्यक्ति। ईसा ने उत्तर दिया पहली आज्ञा यह है, सबसे पहले 617 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा यह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है, इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं, बड़ी आज्ञा यही है, बाकी आज्ञाएं छोटी हैं। यानी कि ये आज्ञाओं का पालन किया मतलब हमने सबसे बढ़िया जीवन बिताया। और इतना आसान नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को, अपने प्रभु ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु हैं। वे अनेक नहीं हैं, वे हजारों नहीं हैं, वे करोड़ों नहीं हैं, वो एक हैं। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हम सबों को बनाया, वो एक हैं, वो अनेक नहीं हैं, वो ईश्वर हैं, वो भगवान नहीं हैं। भगवान को इंसान ने बनाया, वो हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। ईश्वर को किसने नहीं बनाया, वो उत्पन्न हुआ, उसको किसने नहीं बनाया, वो एक है। और इस बात को जानने की बात बता प्रभु बताता, पहली आज्ञा यह है सुनो इज़राइल, सुनो हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर। ये इस बात को जानना कि एक ईश्वर है और वो एकमात्र है, वो कभी दो नहीं है, एक ईश्वर है। एक ईश्वर में तीन व्यक्तित्व तो है, ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मानते हैं। अपने प्रभु ईश्वर का, और सबसे पहले इस ईश्वर को जानना, एक ईश्वर को जानना, मानना, विश्वास करना, ये पहला आज्ञा के अंतर्गत है, पहली सबसे बड़ी आज्ञा के अंतर्गत है। एक ईश्वर को जानना, मानना, उसकी आराधना करना। अगर उसको छोड़ के और किसी की आराधना करोगे, यानी कि हम उस ईश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, तो जैसे इज़राइल जनता ने किया था, पाप कर बैठे, मूर्ति पूजक के पीछे चले गए, राजाओं के पीछे चले गए, उन पर भरोसा रखा, अपने बलबूते भरोसा रखा, और वह विनाश उनका हो रहा था, विनाश के मार्ग पर जा रहे थे। जो एक ईश्वर को नहीं जानता, मानता, विश्वास नहीं करता, विनाश के मार्ग पर है। इसलिए सबसे बड़ी आज्ञा यह है एक ईश्वर को जानना, एक ईश्वर को मानना, एक ईश्वर में विश्वास करना। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। चार बातें यहाँ पर लिखी हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, पूरे दिल से, सारी आत्मा, सारी बुद्धि
और सारी शक्ति से प्यार करो। शक्ति किन किन प्रकार की शक्ति हमें दी है, बहुत प्रकार की शक्ति, गाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, सेवा करने की शक्ति, मदद करने की शक्ति, कितनी शक्ति हमें दी है, उसको इस्तेमाल करें प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने में। बहुत सारी बुद्धि हमें दी है, अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा जीवन जिए, सही क्या गलत क्या फैसला हम कर सकते हैं, अच्छा क्या बुरा का जान सकते हैं, जो बुरा है बाहर करें बुद्धि, और इस प्रकार से अच्छा जीवन जीने के लिए, यानी कि ये भी प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने की बात। अपने सारे हृदय पूरा दिल प्रभु के लिए देना, सारी आत्मा प्रभु को समर्पित करते हुए प्यार करने की बात प्रभु हमें बताता है, यानी कि ये सारी बातों का पालन करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना सबसे बड़ी आज्ञा। और इसके साथ दूसरी आज्ञा अटैच की गई है, दूसरी आज्ञा यह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। अपने समान स्वयं को प्यार करना, स्वयं को प्यार करना, ईश्वर को प्यार करने का पहला कदम है स्वयं को प्यार करना, यानी कि कोई गलत काम नहीं करना, अपने शरीर के विरुद्ध कोई पाप नहीं करना, दूसरों को दुख नहीं देना, ये स्वयं को प्यार करना है। जैसे अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो दूसरों के साथ वैसा करो, यानी कि अपना व्यवहार अच्छा करो, क्योंकि जो प्यार करता वो अपना व्यवहार अच्छा रखेगा, अपना जीवन अनुशासित रखेगा, किसी प्रकार से खराब नहीं करेगा, किसी तत्वों को ग्रहण करते हुए अलग अलग प्रकार की नकारात्मक को अपनाते हुए खराब नहीं करेगा, क्योंकि प्यार करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसको सही सलामत रखेगा। पहला कदम अपने से प्यार करना, दूसरा कदम अपने पड़ोसी से प्यार करना। जो अपने पड़ोसी से प्यार करेगा वो ईश्वर से प्यार करेगा, और जो पड़ोसी से प्यार करेगा वही उस ईश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से प्यार कर पाएगा। ये बात आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है, अपने प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, उसको जानना मानना, उसमें विश्वास करना, उससे प्यार करना पूरे बुद्धि शक्ति आत्मा से, ये काम करने के लिए हमें बताया। आज्ञा का पालन अगर हम करेंगे तो हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर पाएंगे, अन्यथा हम अपना प्यार प्रभु के प्रति केवल शब्द मात्र से बोलेंगे, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, ना आपकी सुनूंगा, ना आपकी मानूंगा, ना आपका आदर करूंगा, सम्मान करूंगा, ना मेरे दिल से मन से आत्मा से, तो इसके मतलब मैं अपने प्रभु ईश्वर को नहीं मानता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जो वचन हमने सुना है, आज्ञा पालन कर अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करो, तो अपने प्यार को प्रभु के प्रति व्यक्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को आज्ञा पालन के बारे में सिखाया कितने आवश्यक हैं, और इसका मर्म को समझाया है। आपको जानना मानना विश्वास करना, एकमात्र ईश्वर को, और पूरे दिल से मन से आत्मा से शक्ति से प्यार करना, ये बात आपने हम सबों के सम्मुख रखी। प्रभु हमारा दिल अक्सर अनेक बातों में भटक जाता है, हम गुमराह हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं इजरायली जनता की भांति। हमें कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे कि प्रभु पूरे दिल से मन से आत्मा से आपसे प्यार करते हुए हम निरंतर आपकी तारीफ करें, महिमा करें, आपके आशीषों को प्राप्त करते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।